नंबर no. फाइव में कह रहा है इन द गिवन सर्किट अ चार्ज ऑफ प्लस एट्टी माइक्रोकुलट्टी अपर प्लेट ऑफ फोर माइक्रोफेरेट कैपेसिटर अगेन ये भी माइक्रो है देन इन स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ थ्री माइक्रोफेरेट कैपेसिटर अब देखो इस प्लेट को हमने कुछ चार्ज दिया है और ये पॉइंट सर्किट का अर्थ है इसका मतलब अर्थ से जितना भी निगेटिव चार्ज चाहिए वो सारा का सारा इसको मिल जाएगा देखो तो सिंपली ऐसे समझो कि अगर हम कैपेसिटर की एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं यानी कि इसको हम कुछ प्लस पोटेंशियल पे ला रहे हैं और ये वाला पॉइंट माइनस पोटेंशियल पे है जीरो पोटेंशियल पे है तो इसका मतलब यही है कि हम एक तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो एक तरह से जितना चार्ज इसको डिलीवर होगा पॉजिटिव उतने ही इधर से डिलीवर हो जाएगा निगेटिव फ्रॉम अर्थ तो इसको हम एक तरह से बैटरी सर्किट ही मान के चल सकते हैं और उस हिसाब से अगर हम चले तो हम सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे कि इस टर्मिनल से 80 माइक्रो कूलम का चार्ज चला इसके इस प्लेट पे प्लस 80 आ गया होगा तो इस प्लेट पे माइनस 80 आया होगा और फिर ये जो 80 माइक्रो कूलम का चार्ज है ये टू और थ्री में डिवाइड होगा कैपेसिटेंस के रेशियो में क्योंकि टू और थ्री पैरल में कनेक्टेड है तो सीधे सीधे अगर हमें ये देखना है कि थ्री माइक्रोफेरेट वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तो 80 माइक्रो फेरड को हमें 3 तो 2 में डिवाइड करना है तो फोर्टी एट नीचे वाली प्लेट पे माइनस फोर्टी एट और इस पे अगर हमें निकालना होगा तो उसी तरह से इसके ऊपर लिख सकते हैं प्लस थर्टी टू इस पे हो जाएगा माइनस थर्टी टू और वापस से ये टोटल चार्ज एट्टी माइक्रोकुलम अर्थ में चला जाएगा तो प्लस एटी अर्थ में चला जाएगा या अर्थ से माइनस एट्टी आ जाएगा बात एक ही है तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा